हे गाइस, स्वागत है राकेश कुजूर ब्लॉग में। आज पानी बरस रहा है शाम को और मैं अभी घर पर हूँ। घूस घूस बेटा, घूस घूस घूस। अरे 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 अरे, मेरी बकरी अभी चर के आई हैं और पानी का तेज बारिश होते हुए इस वक्त अभी घर में बैठे हैं सभी लोग, बच्चे लोग। ये मेरी बकरी है, एक ठे यहाँ बैठी है, बैठा है। मैं बोलो मैं। तो हमारे घर में कुल 7 बकरी हैं और आज बारिश हो रहा है, शाम के टाइम हो रहे हैं, अभी 4:07 गरज रहे हैं बादल और पानी बरस रहा है। इधर देखिए मेरा आंगन में सुबह भी पानी झिमिर झिटा आया था और शाम के 4 रहे हैं, तो अभी तो ज़्यादा पानी आ रहा है और ठंडा मौसम किया हुआ है, गर्मी का कोई उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। आज 14 से लेकर स्टार्ट हो गया है बारिश का मौसम, देख रहे हैं आप। और मेरे घर के बगल में इधर बाड़ी है, बाड़ी पड़ोस का गांव, पड़ोस का घर। बारिश हो रही है झिमिर 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 झिमिर। तो चमक रहा है बद्री, बादल गरज रहा है और इस वक्त मैं अपने इस गलियारे में बैठा हूँ, घर के गलियारे में। और बताइए कि ये बारिश का असर आप लोगों तरफ हुआ कि नहीं हुआ। हमारे साइड बारिश चालू हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बरसात का आनंद ज़रूर लेंगे और इस खेती बाड़ी का समय पहुँच चुकी है, तो आप लोग भी अपने खेती बाड़ियों में ध्यान देते हुए अपने ज़िंदगी को सफल बनाएं। हम तो बनाइबे करेंगे भैया। और एक मेरा घर है जो पीछे साइड है मेन रोड के उस बगल में, और यहाँ पर हम लोग रहते हैं और हमारी बकरी लोग भी यहीं पर रहते हैं। देखिए बच्चे छोटे लोग भीग गए हैं, प्यारे लुलू। आजा छोना, ओले छोना, बैठा रे छोना। आजा 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 बेटा, आजा इधर आ, इधर आ, इधर आ। आजा 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 इधर आ, इधर आ। ये बकरी 2 बच्चा दी है और ये दो बड़े बड़े हैं ये वाले, इसी 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 बकरी के बच्चे हैं, बड़े हैं। और एक ठे ये है छोटा, आजकल दिया है, और एक ठे अंदर है। दस किलो से बेसिये नहीं हो पाए। मैं बोलो मैं। इधर चढ़ के, इधर चढ़ के। नमक नमक लगा, ले 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 ले, खा खा। तो गाइस पानी बरस के खत्म हो गया और अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मौसम का क्या नज़ारा है। देखिए मेरे पीछे घर, मेरा गांव इस तरह से है, पेड़ है, पौधे हैं और इधर भी घर है। ये मेरा घर पहला वाला, दूसरा वाला इधर मेरा भाई का घर। अभी मैं जा रहा हूँ मेन रोड तरफ, मेरे जस्ट रास्ता के किनारे मेरा घर है जो छत्तीसगढ़ को ज्वाइंट करता है ये रास्ता। ये देखिए PCC बोलते हैं इस रास्ता को, PCC, और ये जाता है बड़गर बाजार। इधर से जाता है छत्तीसगढ़ उगरा रोड,
और मेरे सामने यहाँ मस्जिद दिखाई दे रहा है, मस्जिद, और ये राशन पर राशन राशन विक्रय हेतु रेखा समूह का टिलर का घर। भैया जी नमस्कार, अभिनव भैया, अनुभव भैया, जय श्री बोल रहे हैं। मेरा बत्तख चर रहा है, ये देखिए चार ही बत्तख है, ज़्यादा था लेकिन 1 साल तक हो गया, इतना बड़ा बड़ा है, और इससे अधिक था तो उन लोगों को कुछ बेचा मैं और खा गया। आम नहीं है इसमें, खत्म हो गया, अभी भी बूंदा बूंदी पानी हो रहा है। ये मस्जिद है, बड़गर मस्जिद, एकदम विशेष तो बोले तो खास मस्जिद, ये बड़गर में ही आता है और मैं भी बड़गर का हूँ। ये देखिए पानी मेरे पीछे, पानी, बूंदा बूंदी पानी अभी भी हो रहा है। देखिए कितना सुंदर मेरा गांव है, सुहाना सुहाना, जैसे कि उगरा से देख रहे हैं, मेरे पीछे आ रहा है बाइक, ये सब उगरा रोड से आ रहे हैं, और इस वक्त मैं घर तरफ जा रहा हूँ। कैसे छाता नखा ले ले, छाता नखा ले ले, भींग जीबे। हाँ तो बरसात का मौसम है तो छाता तो अवश्य है, लेना जरूरी है, वरना भीगने की पूरी संभावना हो जाता है। उससे बड़े बड़े बत्तख थे, अब दिखा रहा हूँ आप लोगों को छोटे छोटे बत्तख। तो गाइस बताइए आप लोगों की तरफ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शाम के 4 बजे हमारे साइड डेली आता है, कभी ज़्यादा कभी कम, और मेरा गांव खास बड़गर है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।